दी, आप ये सब इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि जैसे ही मुझे शक हुआ, मैंने ब्लैकमेलर बनके तरुण को फोन किया था, और तरुण ने खुद मुझे बताया कि क्योंकि माँ को सब कुछ पता चल गया था, इसलिए मजबूरन उन लोगों को माँ के साथ ये सब करना पड़ा। फिर तो दी, हमें जल्द से जल्द सरला आंटी से जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वो आदमी कौन है। बच्चों, कोई फायदा नहीं। मैंने माँ से बात करने की कोशिश की। माँ जिस हाल में है, हम माँ पे ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश करके इतना जरूर बताया कि मैं मिल चुकी हूँ उससे, जानती हूँ उस इंसान को। वो इनफैक्ट इस घर में आता जाता रहा। मैंने इस घर के हर फंक्शन त्योहार की फोटोग्राफ दिखाई माँ को, लेकिन वो उनमें से किसी फोटोग्राफ में भी नहीं था। कोई तो तरीका होना चाहिए, पता कैसे लगेगा? एक मिनट, एक तरीका है। हम घर में एक पार्टी रखते हैं और आप अपने हर जानने वाले इंसान को इनवाइट करेंगी, और हम सरला आंटी जी को व्हील चेयर पे उस पार्टी में लेकर के आएंगे, और जैसे ही सरला आंटी उस आदमी को देखेंगी, उसे पहचानने की और हमें इशारा कर देंगी, और हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे, और वो भाग ही नहीं पाएगा। मैंने खुद इस बारे में सोचा था, लेकिन वो इंसान अब इस घर में नहीं आएगा, ये जानते हुए कि माँ उसकी असलियत जानती है। कम से कम अपने रूप में तो नहीं आएगा। मैंने आप सबको इसलिए नहीं बुलाया, मैंने ये बताने के लिए बुलाया कि अभी हमारा फर्स्ट कंसर्न माँ की सेफ्टी होनी चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। कितना बुरा लग रहा है ना दी को इस हालत में देखकर, उन्हें रोते हुए देखकर। किसी काम का नहीं हूं, खुद को उनका भाई बोलता हूं, पर भाई जैसा कोई काम नहीं कर पाया, उनकी मदद नहीं कर पाया मैं। सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से सरला आंटी की हालत है, इसकी वजह से दी को भी अभी सर से दूर होना पड़ा। किसी और का बच्चा लेकर यहाँ सबको बेवकूफ बना रखा है इसने, सबकी लाइफ का मजाक बना के रख दिया है। अगर ये और इसके बच्चे में से कोई एक भी चला गया ना, तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसे मारना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, इसके बच्चे को ठिकाने लगाना आसान होगा। ना रहेगा बच्चा और ना होगी शादी। भाभी जी, थोड़ा पानी मिलेगा? क्यों? प्याज की वजह से गला सूख रहा है, प्लीज। अरे इस तरह क्यों बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। गला सूख गया प्याज। चलो, लेकिन मेरे रूम में बॉटल फिर से भर के रख देना। थैंक यू भाभी जी। सॉरी दीप, पर ऐसा करना बहुत जरूरी। मैं जानता हूं कि आप ऐसा करने की परमिशन नहीं देंगी, इसलिए आपको बगैर बताए मैं ये सब कर रहा हूं। सीधा इंसान हूं, सीधी बात जानता हूं। जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा करता हूं, और जो मेरे साथ में गलत करता है उसके साथ गलत करता हूं, और मैंने वही किया। आपको नहीं पता दी, जब रास्ते में कोई अनजान औरत मुझे प्यार से बेटा बोलती है ना, तो दिल से मां मानने लगता हूँ। आपको तो अपनी बहन बोला है मैंने। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। और आज मैंने जो तनु के साथ में किया है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। दादी माँ, आप तो तनु को अच्छी तरह जानती है कि उसने हमारे साथ में क्या कुछ नहीं किया है। आज प्रज्ञा दी की जो हालत है उसकी वजह वो खुद है, उसका होने वाला बच्चा है। आज अभी सर और प्रज्ञा दी एक साथ में नहीं, उसकी वजह भी तनु है। और तो और, बुलबुल दी हमारे बीच में नहीं रही, उसकी जिम्मेदारी वो तनु है। सल्ला आंटी की जो हालत है उसकी जिम्मेदार भी तनु है। और हम कर क्या रहे, कुछ भी नहीं। वो हर बार हमारे गाल पे तमाचा मारती है, और हम हर बार अपना गाल आगे कर देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तनु का बच्चा ही नहीं रहेगा तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं गलत हूँ, मैंने कोई गलती की है, आप जो सजा देना चाहें दे सकते हैं, मैं हंसकर कबूल कर लूँ। तक नहीं करूंगा, आज कैसे लूंगा कि मैंने आपको अपनी बहन माना है, और मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं, आपके चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूँ, बस। तुम्हें मेरी खुशी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और इस मकसद में अगला स्टेप क्या होगा ये डिसाइड करने के लिए पूरब है, दादी है, मैं हूँ, और ये इमोशनल लॉजिक देकर तुम गलत को सही नहीं बना सकते। क्या करूंगी ऐसी जीत का दादी, मैं जीत तो मिल जाएगी लेकिन कभी मेरे मन को सुकून नहीं मिलेगा। मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए, मुझे ये सब और नहीं करना।
बस मैंने फैसला कर लिया, मैंने फैसला कर लिया कि ये सब अब हमें यही खत्म करना होगा, इस लड़ाई को यही रोकना होगा। एंड आई एम सॉरी कि ये फैसला लेने से पहले मैंने आप लोगों से कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब बाकी लोगों के लिए और माँ की सलामती के लिए ये करना बहुत जरूरी है। मेरा फैसला ये है कि अभी इसी वक्त जाकर इन्हें सारा सच बता दूंगी। मैं रूप बदल कर क्यों आई, बुलबुल की जान क्यों गई, माँ इस हालत में क्यों है, सब कुछ मेरे पास सबूत नहीं है, मैं जानती हूँ। मैं बस अपने मन में विश्वास लेकर उनके पास जाऊंगी। मुझे ये करना ही होगा क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं है इस लड़ाई को रोकने के लिए, और आप में से कोई मुझे नहीं रोकेगा क्योंकि मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। मैं नहीं जानती है, आई डोंट केयर कि ये मेरी बात का विश्वास करेंगे या नहीं, मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन मैं इन्हें सब कुछ बता दूंगी क्योंकि सबकी भलाई के लिए ये लड़ाई यही खत्म करनी होगी। प्रज्ञा, ये तो क्या बोल रही है बेटा, अब तुम मंजिल के इतना पास आके। मेरी मंजिल तो ये थे ना दादी, और ये मेरे इतने करीब थे। जब से मैं इस मकसद को लेकर इस घर में आई हूँ, ये मुझसे दूर होते जा रहे, और अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो ये दूरी जिंदगी भर की बन जाएगी दादी, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप मुझे मत रोकिए, अंदर ही अंदर आप भी जानती हैं कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी बात पे यकीन करने के बजाय तो मुझे बातें सुना रहे, इसलिए मैं बोलने से पहले इतना सोच रही थी कि बोलूं या नहीं बोलूं। अभी और कोई भरोसा करे नहीं करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तुम भरोसा नहीं करोगे तो मुझे फर्क पड़ता, क्योंकि वो हमारे बच्चे को मारना चाहते। अभी जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे पानी गिरा हुआ था और रोनी वहीं पे चुपके से खड़ा हुआ था, उसके हाथ में पानी की बॉटल भी थी। अभी प्रज्ञा ने उस रोनी को कहा होगा ये सब कुछ करने के लिए, ताकि मेरे पांव फिसल जाए और हमारा बच्चा। बस मैं जानता हूँ प्रज्ञा सरला आंटी को लेकर तुम्हें गलत समझ रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम प्रज्ञा के बारे में कुछ भी बोलो। वो तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट हो सकती है, तुम्हारे साथ रूड हो सकती है, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत वो कभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती वो? अभी वो नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करो, और तुम जिस वजह से मुझसे शादी कर रहे हो वो उस वजह को खत्म कर देना चाहती है। ऐसा नहीं है तनु, उसे सिर्फ ये लगता है कि शादी के बाद मेरी वजह से उसकी इनकम कम हो जाएगी, लेकिन वो हम दोनों की शादी रोकना चाहती है या शादी रोकने के लिए हमारे बच्चे को मारना चाहती है, वो बहुत गलत काम कर सकती है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी की जान लेना, वो कब सोच भी नहीं सकती। हाँ, इसीलिए तुम्हारा भरोसा तोड़ के इस घर में मालकिन बन के आई थी, और अभी तुम अभी भी उसका भरोसा कर रहे हो, उस पर यकीन कर रहे हो। तुम मेरी साइड लेने की बजाय तुम उसकी साइड ले रहे हो। कब मानोगे मेरी बात? अभी कब? जब हमारे बच्चे की जान चली जाएगी तब? बोलो अभी। अब वो ठीक हो जाएंगी तो कोई नई प्रॉब्लम आ जाएगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे? अभी हमारे बच्चे की जान को खतरा है, और वो खतरा और कोई नहीं सिर्फ प्रज्ञा है। अभी उसका नाम लेते ही तुम इधर उधर देखते हो। अभी तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हो और उस पे अभी भी भरोसा कर रहे हो। उसने तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत किया, उसके बाद भी उस पे यकीन है तुम्हें? अभी ये जो भरोसा तुम मुझे दिखा रहे हो ना, उसे मत दिखाना, वरना झूठी मूठी बातें करके तुम्हारे भरोसे का नाजायज फायदा उठाएगी वो, झूठी कहानियां बना के मेरे खिलाफ भड़काएगी तुम्हें। और मुझे मुझे डर तो इस बात का कि कहीं वहाँ की आंखें ये ना बोल दे कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं किसी और का। और तुम मान भी लोगे, मुझे अपने घर से ही नहीं अपनी जिंदगी से भी बाहर निकाल दोगे। व्हाट रबिश, क्या बोले जा रही हो तुम? वही बोल रही हूँ जो मैं देख रही हूँ। तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है कि तुम उस पर कितना भरोसा करते हो, और वो ये बात जानती है अभी कि तुम उस पर भरोसा करते हो। वो कुछ भी बोलेगी तुम मानोगे। देखना वो बोलेगी, और अगर वो नहीं बोलेगी ना तो किसी और से बुलवाएगी कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं किसी और का है, क्योंकि वो हमें अलग करना चाहती है अभी, और तुम उसकी बातों में आ जाओगे। शट अप तनु। तनु ऐसा कुछ नहीं, मैं जानता हूँ ये मेरा बच्चा है, मैं क्यों किसी की बकवास सुनूं। सॉरी अभी।
नाटक कर रही है ये, झूठ बोल रही है आपसे, आपको बेवकूफ बना रही है। और क्या मतलब है कि ये नाटक कर रही? सच को छुपाने का नाटक, झूठ बोल रही है। इसके पेट में जो बच्चा है वो आपका नहीं, किसी और का है। ये सब कुछ ये जो कर रही है ना, सिर्फ बेसहारा और बेचारी बनने का नाटक कर रही है, ताकि आप इसकी बात पर यकीन करें कि आपका भरोसा सिर्फ इसी पर हो और किसी पर नहीं। और सिर्फ आप ही को नहीं, इसने सबसे झूठ बोला है। इसने मुझे धोखा दिया, दादी को धोखा दिया, हम सबको धोखा दिया। देखा भी, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये जरूर बोलेगी, और तुम इसकी बात सुन भी क्यों रहे हो? थप्पड़ मार के इसका मुंह बंद करवाओ और बोलो कि ये बच्चा तुम्हारा है, बोलो। No one is responding. कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। आखिर हो क्या रहा है? हेलो, हाय, दिस इज आलिया दिस साइड। कौन आलिया? आलिया मेहरा। एक्चुअली मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल था आपके लिए, तो आई वांटेड टू मीट यू एंड टॉक टू यू अबाउट दैट। ओह, आलिया मेहरा, अभिषेक मेहरा की सिस्टर। आप अभी के साथ कभी भी हमारे ऑफिस आ सकती हैं। जो भी प्रपोजल है हम, डैम इट, बिना भाई के कोई मेरे साथ डील भी नहीं करना चाहता। पूरा नाम नहीं लो तो कोई मुझे जानता भी नहीं, ऐसे कैसे मुझे मौका मिलेगा? सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा। ऐसे नहीं होगा आलिया, भाई का मार्केट इतनी आसानी से खराब नहीं होने वाला है। उसके लिए भाई को 3-4 फ्लॉप सॉन्ग देने होंगे और 2-3 कॉन्सर्ट लॉस में जाने चाहिए, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। पर आजकल तो भाई ना सॉन्ग बना रहे हैं और ना ही कोई कॉन्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स अब भी उन्हीं के सॉन्ग का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा आलिया। तुम्हारी कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता। एक आखिरी बार ही सही, लेकिन आप मेरी बात का यकीन कीजिए। झूठ बोल रही है आपसे, ये किसी और के बच्चे को आपका नाम देने की कोशिश। बस, खबरदार, अगर तुमने मेरे होने वाले बच्चे के बारे में कुछ भी बोला तो मैं बोलूंगी। आप नहीं जानते इस सच को सामने लाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं खोया। आज मैं बोलूंगी, आपको सुनना पड़ेगा। सुनने की वजह तो तुमने दे दी, अब भरोसा कैसे करो? है कोई सबूत कि इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है? क्या हुआ, नहीं है ना सबूत? मैं सबूत ले आऊंगी। आप मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं इसके खिलाफ सबूत भी ले आऊंगी, लेकिन इस वक्त प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। सबूत ढूंढ कर लाओगी या बना कर लाओगी? अभी कोई सबूत है तुम्हारे पास तो दिखाओ, वरना दोबारा मेरे सामने तनु के ऊपर उंगली तक मत उठा, समझी? और अगर तुमने मेरे होने वाले बच्चे को बदनाम करने की कोशिश की ना, तो मैं तनु और बच्चे को लेकर यहां से चला जाऊंगा। झूठ बोल रही है आपसे, आप बस मुझे कुछ वक्त दे दीजिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। सुनना या सुनने की हिम्मत नहीं, या फिर आप जानते हैं कि बच्चा किसी और का है? सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए आप एक नाजायज बच्चे को अपने, उन्होंने उसकी बात पर ही विश्वास किया ना, क्योंकि वो उन्हें अपने नकली आंसू दिखा रही थी, इमोशनल बातें कर रही थी और इस तरह भरोसा दिला रही थी कि वो सिर्फ उसी की बात पर यकीन करेंगे, और जो कोई भी तनु के खिलाफ कुछ बोलेगा वो खुद उसके खिलाफ हो जाएंगे। दादी, जब उन्हें मेरी बात सुननी ही नहीं थी तो मैं किस लिए उन्हें कुछ बताती? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा,
और वो इनसे यही कह रही थी कि हो सकता है आने वाले दिनों में कोई आकर उससे कहे कि वो बच्चा इनका नहीं। और वही रोनी वाली बात कि मैंने रोनी को कहा था उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, उसे उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए, कि उसके बच्चे की जान को खतरा है मुझसे दादी। उन्होंने तनु से कहा कि वो तनु की बात पर यकीन करते हैं और तनु से रिश्ता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ तनु की बात पर ही यकीन। चलाक तो थी पर इतनी चलाक थी ये मुझे पता नहीं था। लगता है उसकी अक्ल दौड़ निकल आई है ना पूर्व? दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। उसे कितनी बुरी तरह अभी को ऐसे अपने बातों में फंसाया, वो बिना किसी सबूत के किसी बात को मानेगा ही नहीं दादी। हाँ तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है दी, मतलब अभी सर को सबूत चाहिए ना तो वो हम दे देंगे। इस तरह रोके टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है ना। सॉरी दी, जो मुझे फील हुआ मैंने बोल दिया। वैसे तो मुझे कोई हक नहीं बनता है बोलने का, लेकिन वो क्या है ना कि मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। मैंने कितनी बार कहा है बीच में मत बोलो ये सब तुम्हारे। दी रहने दीजिए प्लीज। वैसे भी ये जो भी कह रहा है बिल्कुल ठीक ही कह रहा है। अब समझ में आ रहा है कि तनु ने ये सब क्यों किया। मिल गया आईडी। क्या? अरे बताएगा भी। दादी दी ने तनु से यही कहा ना कि अब हम सबूत किसी और को दे दें तो अब हम वही करेंगे। पूरब किसी और से डील करने का क्या फायदा? हमें फंसाना तो तनु को है ना। एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए प्लीज। मान लीजिए कि मैं तनु हूँ और कोई मुझे ब्लैकमेल कर, अब ऐसे में सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आएगा ना कि किसी भी तरह उस ब्लैकमेलर का किस्सा खत्म कर दो। पर एकदम से वो ब्लैकमेलर मुझे फोन करके कहता है कि वो मेरे साथ डील नहीं करेगा बल्कि किसी और के साथ डील करने वाला, तो मैं तो बहुत ही परेशान हो जाऊंगा ना। मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और इतने में ही कोई ऐसा बंदा मेरे सामने आता है फेस टू फेस जिसे कि मैं जानता हूँ, जैसे रोनी को ले लीजिए, और मुझसे आके कहता है कि उसको किसी का फोन आया और उसको डील के बारे में पता चला और उसको किसी ने बोला है कि मेरे पेट में जो बच्चा है ना वो मेरा नहीं है किसी और का है। ऐसे में तो मैं और भी परेशान हो जाऊंगा, मेरे होश ही उड़ जाएंगे। क्योंकि रोनी मेरा दोस्त है, मैं उससे कहूंगा मेरी मदद करने के लिए ताकि मैं उस आदमी को पकड़ सकूं जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, जिसने रोनी को फोन करके ये सब बताया। और रोनी बीइंग माय फ्रेंड मेरी हेल्प तो जरूर करे। इसी हेल्प की आड़ में हमें तनु को रंगे हाथ पकड़ना होगा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं है रोनी, तू कुछ समझा है? नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई सस्पेंस वाली फिल्म देख रहा था और बीच से देखनी शुरू कर दी हो। मुझे सब समझ में आ गया। तुम सही कह रहे हो पूरा, मैं तैयार हूं। कुछ मत बोल, मैं सब जानती हूँ तुझ पे क्या गुजर रही है और तू अकेले ही इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से जूझ रहा है बेटे। नहीं दादी, जब मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो कोई और क्या समझेगा। हर रोज एक नया दिन मेरे लिए एक नया सवाल लेकर आता है जिसके जवाब को ढूंढने के चक्कर में मैं अपनी आइडेंटिटी खो रहा हूं दादी। इस छोटी दुनिया में मैं अपने अंदर की सच्चाई खोता जा रहा हूं। सब कुछ ठीक करने के चक्कर में दादी मैं सब कुछ गलत कर रहा हूं। दादी मैंने अपने दम पर यह दुनिया जीती थी ना, आज मैं अपने फैमिली के मैटर को लेकर हार रहा हूं दादी। ये हार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही दादी, मैं बहुत कमजोर पड़ रहा हूं, अपना कॉन्फिडेंस खो रहा हूं मैं दादी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, जैन की सांस तक नहीं ले पा रहा हूं मैं। मैं जानती हूं बेटा, अच्छी तरह जानती हूं, पर बेटा हर इंसान की जिंदगी में सही और गलत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सुबह और शाम। दादी मैं तनु से तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक मैं प्रज्ञा को डिवोर्स ना दे दूं, इसलिए मुझे प्रज्ञा को डिवोर्स देना होगा। तो बेटा इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? प्रज्ञा को डिवोर्स के लिए आपको मनाना होगा दादी। मुझे मनाना पड़ेगा उसे? हाँ दादी, क्योंकि अगर मैंने उससे बात की तो
तो बातें बिगड़ सकती है, और अगर वो गुस्सा हो गई और गुस्से में उसने डिवोर्स देने से मना कर दिया तो मामला कोर्ट में चला जाएगा, और ये इसका फैसला कब होगा किसी को नहीं पता, और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। दीदी अभी सही कह रहा है, डिवोर्स की बात ना आप ही प्रज्ञा से करो। दीदी आप जो भी करेंगी प्यार से करना, आराम से करना, प्यार मोहब्बत से इस मैटर का सलूशन निकालना। मैं कोशिश करूंगी बेटा। तू चिंता मत कर बेटा, गुस्सा करने से खुद का खून चलता है, और मैं तुम्हारे ऊपर अपना कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहता। तुम समझी नहीं, मेरा मतलब किसी के लिए भी ये खून जलाना अच्छी बात नहीं है। गुस्से में नुकसान अपना ही होता है ना। It's not worth it. It's not right. क्यों? मैं तो तुम्हें भी कहूंगा कि गुस्सा करना थोड़ा कम कर दो। कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश भी करे तो उनसे प्यार से बात करो। बड़े लोग जो होते हैं वो लोग कम बोलते हैं, कम रिएक्ट करते हैं, लेकिन इफेक्ट सॉलिड। तुम भी कम गुस्सा किया करो, कम गुस्सा करने से तुम कम बुढ़ी लगोगी, फेस ग्लो करेगा, फ्रेश लगेगा, तुम ज्यादा जवान लगोगे। ये सब आप बोल रहे हैं? मतलब ये सब कहकर आप मेरा भला करना चाहते हैं? बैठो। वैसे जरा सोचो, पैसे पाने के चक्कर में तुम क्या क्या खो रहे, इसलिए बोल रहा हूँ अभी भी वक्त है, किसी को ढूंढ लो, क्योंकि एक बार उम्र निकल गई ना उसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं। दुश्मनी सही, इंसान तो हूं, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। जब कुछ नहीं है हमारे बीच में तब आप इतना ख्याल रख रहे हैं मेरा, जब हम दोनों साथ हो जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, मुझे बस उसी दिन का इंतजार है। मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं जब भी गिरूं आप ही मुझे संभाले, आप ही मेरा फ्यूचर बने। क्या हो रहा है? मैं दादी को दिखा रही थी कि दिन में तारे दिखा रही हो। नहीं, कितनी टेंशन लेती है, शक्ल पे नजर आ रही है इनकी टेंशन। दादी को किस बात की टेंशन है? आपकी टेंशन और किसकी टेंशन, से गुस्सा किए जा रही है, मैं इन्हें समझा रही हूँ कि गुस्से से इनका अपना ही नुकसान होगा, आप ही तो बताया था। लेकिन ये गुस्सा क्यों कर रही है? पता नहीं, तब से बोली जा रही कि आपको तलाक दे दूं, आपको तलाक दे दूं। मैंने कहा आराम से बात कीजिए, लेकिन नहीं सुनाई जा रही। मैं कह रही हूँ इनसे कि इसके बारे में आराम से भी बात की जा सकती ना, मतलब बात की नजाकत को नहीं समझ, अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं करती, इस उम्र में इतनी गर्मी अच्छी नहीं है खून में। गर्मी गर्मी अभी तूने मेरी देखी ही कहाँ है, ये बाल है ना, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, अपने खून की गर्मी से सफेद किए हैं, और तू होगी इस घर की मालकिन। मैं घर की बड़ी बुजुर्ग हूं, और बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं ना छोटों को मानना ही पड़ता। तो बुजुर्ग है, कोई जज नहीं कि आप जो ऑर्डर देंगी मैं मान लूंगी।
ए, तू इसे मेरा ऑर्डर ही समझ, क्योंकि बात जब मेरे पोते की जिंदगी की आती है तो मैं किसी की सुनती नहीं, सिर्फ अपनी सुनाती हूँ। अगर मेरी बात किसी के कान तक ना पहुंचे तो फिर मैं दो कान पे लगा भी देती। अगर मैं उसकी यादों का सहारा लूंगा ना तो मैं बहुत कमजोर पड़ जाऊंगा, अकेला पड़ जाऊंगा। और माँ, इस वक्त मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, क्योंकि अगर मैं कमजोर पड़ गया ना माँ, तो मैं बुलबुल की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊंगा। उसके जीते जीते तो उसको कोई खुशी दे नहीं पाया, पर शायद उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करके मैं उसको खुशी दे दूं। पूरा भाई, मैं आपकी तकलीफ को महसूस तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, समझ जरूर सकता हूं। और जानता हूं कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और हम अपनों की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, और जो लोग अपनों की खुशी के लिए दुश्मन बने हुए हैं उन्हें सबक सिखाने के लिए आप कुछ भी करेंगे। और रोने की बारी तो अब उनकी, हमारी नहीं। और प्रज्ञा दी ने जो मिशन शुरू किया था वो सिर्फ उनका मिशन नहीं है, हम सबका मिशन है। और उस मिशन को मिलकर हम पूरा करेंगे, सब लोग, आप, हम सब। माँ, आप आराम कीजिए, मैं प्रगति के पास जाता हूँ आगे का प्लान डिस्कस करने के लिए। और आप टेंशन मत लीजिए, आपको अकेले नहीं रहना होगा। मैं रचना को ना यहाँ पे भेज देता हूँ, आपको अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आप भरोसा रख, जिन लोगों की वजह से बुलबुल हमारे बीच नहीं है ना, उन लोगों को ऐसी सजा मिलेगी कि अपनी जिंदगी के आगे उन्हें मौत अच्छी लगेगी। आप अपना आशीर्वाद देते रहिए, चलता हूँ। लीक होते ही दुनिया की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। देश दुनिया की सुरक्षा से मुझे क्या लेना देना? जिस इंसान की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में वैसी प्रॉब्लम हो, वो उसे देश दुनिया की क्या पड़ी है? हाँ, वो क्यों सोचेगा उसके बारे में? तुम्हें तो पता है ना तनु, राज को लेकर मैं कितनी टेंशन में रहती हूँ। वो मुझसे बात ही नहीं करते हैं, मिलते भी नहीं है। मैं तरीके ढूंढ रही हूँ उन्हें मनाने के, उनसे बात करने के। अब सही तरीके से तो वो मेरी बात सुनेंगे नहीं, तो कोई और तरीका अपना कर मैं उनकी अहंकार पर बनने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप राज भैया के बारे में बात कर रही थी, तो तुम्हें और क्या लगा? नहीं नहीं, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। ऐसे कोई तरीके ढूंढते रहिए उन्हें मनाने के, और वो मान जाएंगे। और अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा, मैं हेल्प करने के आ जाऊँ। तुम मेरी हेल्प करोगे? तनु, मुझे अपनी बात बनानी है, बिगाड़नी नहीं है। कुछ शादी तो हो नहीं रही है, मेरी शादी संभालने चलिए। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। मिताली भाभी को भी अभी तक कोई फोन नहीं आया, फिर किसे फोन कर सकते? अब इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं देगी वो। अरे ऐसे कैसे तलाक नहीं देगी, जब उसने तुझसे रिश्ता ही खत्म कर दिया है तो तलाक को क्या बैंक में रख के इंटरेस्ट खाएगी? अभी तू ना कुछ ज्यादा ही नमी से पेश आ रहा है। दीदी के साथ अगर मुझे भेज दिया होता ना तूने, और हम अपने देसी पने पे आते तो तलाक के साथ मुआवजा भी लेकर आते। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, अगर उसने डिवोर्स देने से मना कर दिया ना तो मामला कोर्ट में चला जाएगा, और ना हमारे पास पैसे ना पावर, कैसे लड़ेंगे उस मुकैम्बो से? अगर कोर्ट में ये मामला चला गया ना तो फिर सालों लग जाएंगे, और वक्त नहीं है हमारे पास। मैं चाहता हूँ कि तन्नू माँ बनने से पहले हमारी शादी हो जाए, वरना हमारा बच्चा बड़ा होकर मुझसे पूछेगा कि पापा अपने मम्मी से शादी क्यों नहीं की। अच्छा लगेगा क्या वो? बनता हुआ काम को आप लोगों ने बिगाड़ दिया। अब जाना पड़ेगा मुझे दुश्मन के सामने, सॉरी बोलना पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे झुकाना पड़ेगा? सही कह रहा है, ये गलती मुझसे हो गई है। मैंने आके इसका काम बिगाड़ ही दिया, गुस्सा बहुत आ गया था ना। अभी माफ कर दे मुझे, गुस्से में मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। अरे दादी क्या कर रही हो, प्लीज मुझे सॉरी वोरी मत बोलो, मैं पहले से इमोशनली टॉर्चर हो गया, आप मुझे और टॉर्चर कर रही हो। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।